हेलो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ चावल के आटे और उबले हुए आलू के झटपट नाश्ता बनाने। देखिए, मैंने एक कटोरी चावल का आटा ले लिया है। आप चाहे तो चावल खड़ा लेके अपने घर में भी पीस सकते हैं, बाजार से ले सकते हैं। यहाँ मैंने सारी सब्जियों को तैयार कर लिया है। गाजर है, टमाटर है, लाल हरी मिर्ची है, कड़ी पत्ता है, अदरक, सब मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। सारी सब्जियों को इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए, ये बहुत, यकीन मानिए, बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। यहाँ मैंने एक आलू को उबाल लिया है, उबाल के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। इसे भी इसमें मिक्स कर लूँगी। देखिए, इसमें मैं इतना अजवाइन क्रश करके डाल दूँगी। इसमें मैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। आप चाहे तो इनो डाल सकते हैं। मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स कर लूंगी। पहले हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये झटपट नाश्ता, आपके पास अगर टाइम नहीं है, इसे फटाफट आप बना के नाश्ता बना सकते हैं। अब देखिए, हमारा सारा सब्जी मिक्स हो गया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करना है पानी, एक साथ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, हमने इसका बैटर बना लिया है। ना ज़्यादा पतला है, ना ज़्यादा मोटा है, इसी तरह हमें बना लेना है। अब इसे हम 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। अब इसे अच्छे तरह से हम तेल को फैला देंगे। आप चाहें तो छोटा पैन भी ले सकते हैं। मैं ये पैन ली हूँ, ढोसा पैन। मैंने गैस को फास्ट रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा। ये पतला नहीं बनेगा, ये थोड़ा मोटा भी बनेगा। देखिए दोस्तों, सारी सब्जियों को जैसे आप इसमें डाल सकते हैं। दही है आपके पास तो आप दही डाल दें। मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, आप इन्हें भी डाल सकते हैं। अब इसे 10 से 5 मिनट के लिए पकने दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसे पलट लिया है। अब इसे उस साइड भी इसी तरह हो जाने दें, ताकि ये थोड़ा, इतना कुरकुरा तो नहीं होएगा, लेकिन थोड़ा कुरकुरा इसे हो जाने दें। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह हम सारे बैटर को बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने आलू और चावल के आटे का ये झटपट नाश्ता तैयार किया है। इसमें ये, इसे आप चीला भी कह सकते हैं, उत्तपम भी कह सकते हैं। आप इसे अच्छे से और मजे से खाइए और हमें बताइए कैसा आपको मेरा वीडियो लगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे।